बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सर अब्दुल रहमान तुर्क, योर केमिस्ट्री टीचर। इससे पहले वीडियो के अंदर हमने लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ मल्टी प्रोपोर्शन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे लॉ ऑफ मल्टी प्रोपोर्शन क्या होता है। स्टेटमेंट देखते हैं, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द मासेस ऑफ वन एलिमेंट डेट कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ द अदर एलिमेंट आर इन द रेशो ऑफ स्मॉल सिंपल होल नंबर। क्या मतलब हुआ इसका? जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं तो वो एक से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म करते हैं। क्या लिखा हुआ है? व्हेन टू एलिमेंट्स, जब दो एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन किया जाता है तो वो जो है वो एक से ज्यादा, मोर देन वन कंपाउंड, एक से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो लाइन है वो क्या लिखी है? द मासेस ऑफ वन एलिमेंट। अब एक एलिमेंट का जो मास है उसे जो हम कंबाइन कर रहे हैं उसे हम फिक्स कर देते हैं, उसे हम क्या करते हैं? फिक्स कर देते हैं मासेस ऑफ अदर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की निस्बत से। अब आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल सिंपल होल नंबर। अब एक एलिमेंट हम उसका मास फिक्स कर देते हैं और दूसरे का जो मास है उसको हम चेंज करते हैं तो उससे ये होता है कि कंपाउंड जो है वो हमारे पास डिफरेंट टाइप के कंपाउंड फॉर्म हो सकते हैं। इसकी एग्जांपल की तरफ देखते हैं। अब देखें, द एलिमेंट कार्बन फॉर्म्स टू स्टेबल कंपाउंड। अब हमारे पास एक एलिमेंट है कार्बन जो दो कंपाउंड फॉर्म कर सकता है स्टेबल कंपाउंड विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ। कार्बन क्या? दो कंपाउंड फॉर्म कर सकता है स्टेबल कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ एंड विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कौन कौन से कंपाउंड फॉर्म कर सकता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। दो एलिमेंट है कार्बन और कंपाउंड आपस में कंबाइंड होंगे तो वो एक से ज़्यादा जो कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो कार्बन को हम फिक्स मास के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं और ऑक्सीजन का मास चेंज कर देते हैं तो हमारे पास दो कंपाउंड फॉर्म हो जाते हैं। किस तरह से? देखें, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर क्या आता है? कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन का एक एटम। अब कार्बन का जो मास है वो आपको पता है क्या होता है? 12 ग्राम। और ऑक्सीजन का जो मास है पीरियोडिक टेबल के अंदर इन सब एलिमेंट्स के मास फिक्स हैं, लिखे हुए होते हैं। कार्बन का 12 ग्राम है और ऑक्सीजन का 16 ग्राम। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ आ जाते हैं, कार्बन का मास तो फिक्स था 12 ग्राम आ गया और ऑक्सीजन का जो मास है वो क्या आ गया? 32। अब ऑक्सीजन के मास का जब रेशियो निकाला तो ये क्या आ गया? 1:2। किस तरह से आया? देखें, 16 है, 16 को हम 16 1 16 16 2 32, तो ये क्या आ जाएगा? 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? रेशो 2। मीन्स के 1% ऑक्सीजन और यहाँ पे कितनी परसेंट ऑक्सीजन है? 2%। इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, रेशो ऑफ ऑक्सीजन हमने लिया 16:32। अब ये रेशो का मतलब, रेशो क्या चीज़ है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिवाइड है तो हम डिवाइड करवा सकते हैं, 16 1 16 16 2 32। अब ये जो है लो आपका, ये क्या? देयरफॉर द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन, लिहाजा ऑक्सीजन का जो रेशियो हमने लिया क्या आ गया? 1:2, विच इज सिंपल होल नंबर। 1 और 2 दोनों क्या है? स्मॉल सिंपल होल नंबर है। क्या? स्मॉल सिंपल होल नंबर। किसके? ऑक्सीजन का जो हमने मास लिया था। एन ओबेज द लॉ ऑफ मल्टी प्रोपोर्शन, जो कि ये ओबे कर रहे हैं किस पे? लॉ ऑफ मल्टी प्रोपोर्शन पर पूरा का पूरा ओबे कर रहे हैं कि एक जो हमारा एलिमेंट है उसका मास फिक्स कर दिया जाए, दूसरे एलिमेंट का मास जब हम चेंज करते हैं तो उनका जब रेशो लिया जाता है वो क्या होता है? स्मॉल होल नंबर होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर हम लॉ ऑफ रेसिप्रोकल को डिस्कस करेंगे। तो मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इंशाल्लाह एक बार दोबारा आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।